इंडिया में 1970 और 2040 में जब बंदा लड़की भगाकर घर ले आए। अब्बा भैया कहाँ रह गए, घर की बहू भगा कर लाया हूँ। अब्बा मोहसन भाई तो दूसरी लड़की भगा कर ले आए। बेटा फिक्र क्यों करते हो, ये भी पहली बीवी की तरह दो दिन के बाद भाग जाएगी। बेगम जल्दी से अब्बे के पैर छू। सदा बर्बाद रहो बेटी, वैसे इस नामुराद में क्या देख लिया जो इसके साथ भाग गई। भाभी जी वैसे अपना चेहरा तो दिखाएं। लाहौल वाला कुआ था इल्लो बिल्ला। अब्बा जी मुझे लगता है मेरी चुड़ैल देखने वाली मन्नत पूरी हो गई है। अब्बा जी आपको तो फखर होना चाहिए, आपका जवान बेटा इतनी बड़ी बहू भगा कर ले आया है। बेटा अगर यही काम करना था तो लड़के तो काम की लाते भैंस उठा के ले आयो। बस अब्बा जी बहुत हो गया, अब ये आपके घर की इज्जत है, अपने घर की इज्जत को तार तार मत करो। बस बहुत हो गया, बहुरानी तुम जाओ घर संभालो। ओए नामुराद तुम यहीं रुको। जी अब्बा हुक्म करे। ओए नामुराद अगर इसकी अम्मा जिंदा है तो मेरा भी टांगा फिट करवा दो। वाह वाह, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है उसी तरह बेटी को देख के माता तो पहले ही भाग गई। डार्लिंग उतरो यही हमारा घर है। डैडी कहाँ है आप, घर में नई नुवेली दुल्हन भगा कर लाया हूँ। अब्बा ये भाई किसको साथ ले आया है, लगता है ये कोई नया चांद चढ़ा के आया है। डार्लिंग तुम्हारा सुसर आ रहा है, चरणों को छू के आशीर्वाद ले लेना। सदा सुखी स्वागत रहो बेटी। अब्बा जी वैसे माल तो मस्त है। बेटा जी आपस की बात है, माल मुझे भी पसंद है। अब्बा जी आप उसे बहू की नजर से देखें ना। बेटा जी ये बताओ ये किस परिवार से लड़की भगा के लाए हो। डैडी ये तो कुमार परिवार से आए और पूरे हिंदुस्तान में इनका सिक्का चलता है। अब्बा जी इनका तो भारत में सिर्फ सिक्का चलता है, हमें तो रुपया चलाने वाली चाहिए। डार्लिंग यहाँ से भाग चलते हैं, मुझे तो भैया और अब्बे की नियत खराब लगती है। आयो रे मां।